हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, आपको सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह का काम जो झाड़ू पोछे का सब हो गया है, हम नहा लिए हैं बच्चे वगैरह हम सब, तो अब यहाँ पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने लड्डू गोपाल जी पहले उनको नहलाएंगे, राधा रानी को नहलाएंगे। तो एक डोंगे में मैंने पानी ले लिया है, उसमें कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ वो डाल दी हैं, और उसके बाद में मैंने चंदन लिया है, शहद है, दही है, दूध है, ये सारी चीज़ें ली हैं जिससे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो गन्नू पिंकू दोनों देख देख करके हंस रहे थे कि बुआ इनका साबुन है ये। मैंने कहा हाँ, जैसे ही मैंने चंदन लगाया ना नवाने के लिए, तो दोनों जने के इनका साबुन कैसा है। मैंने कहा इनका यही साबुन है, क्योंकि बच्चों को तो यही लगता है कि हम साबुन से नहाते हैं, तो गोपाल जी भी साबुन से ही नहा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और पंखुड़ी जो गुलाब की डाली है ना, उससे मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये चंदन है जो ये आपको दिखा रही थी डब्बा, पूजा की दुकान पे आराम से मिल जाता है, मैंने वहीं से लिया था। और लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं ना, तो इससे उसके बाद हम सच में इतने अच्छे चमक जाते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो मेरे से पूछ रही थी, बोल रही थी एक बार कि दीदी ऐसे ना हाथ से जो अंगूठे से मल के ऐसे नहीं नहवाते लड्डू गोपाल जी को। तो एक्चुअली बच्चों को हम सब ऐसे ही नहलाते हैं ना, तो वही आदत है, तो मेरा हाथ इस तरीके से चलते नहवाने के लिए। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पूजा पाठ जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने कर लिया है। और मेरे लड्डू गोपाल जी की पहली जन्माष्टमी है, ये आप सभी को पता है। इतनी धूमधाम से वैसे मैंने कभी जन्माष्टमी नहीं मनाई है जैसे लड्डू गोपाल जी का। इस बार मैंने इस स्नान कराना और मतलब बहुत सारी तैयारियां करी हैं, वैसे मैंने पहली बार ही करी हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, बातों बातों में हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं, बस नहला करके। और नई पोशाक उनकी मैं लेके आई थी, जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की थी, दिखाई थी आप सबको। तो उनको भी मैंने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना के उनके आसन पर बिठा दिया। अब यहाँ राधा रानी है, उनको मैंने चंदन और वो सब लगा के नहला दिया। लेकिन पिंकू को क्या था कि नहीं मैं पानी डालूंगा, जैसे छोटे बच्चे को नहीं नहलाते पानी डालते हैं बच्चे, तो यहाँ उसका मन था मैं कि चल ठीक है तू डाल दे, तो उसने पानी डाल दिया। उस जो पानी को नहवाने वाला पानी आप अपने घर के किसी भी गमले में पेड़ पौधों में दें, ऐसे ही उसको ना फेंकें। अब बस यहाँ आती है बारी उनका श्रृंगार करने की, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हाँ करूँगी। तो यहाँ राधा रानी है, उनके मैंने जो बाल हैं बिग मतलब उनको मैंने काला कर दिया है काले पेंट से, यहाँ दोनों को मैंने बिठा दिया है। उसके बाद में बारी बारी से मैं थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करूँगी। लड्डू गोपाल जी के लड्डू को मैंने पीला करके उसके बाद में रेड कलर के ऐसे ऐसे डॉट लगा दिए। राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को दोनों मैंने रेड कलर का आलता लगाया है, बस सजा दिए हैं। उसके बाद में अब उनके कपड़े पहना दूंगी। दोनों के कपड़े मैं एक ही जैसे लेकर के आती हूँ, कलर अलग होते हैं लेकिन डिजाइन वगैरह दोनों के एक ही जैसे होते हैं। तो बस उनके जो वस्त्र वगैरह हैं, श्रृंगार बिग वगैरह लगाना, वही सब हम मेकअप करेंगे। और सच्ची में बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये पगड़ी जो मुकुट है, ये मतलब आजकल ज़्यादातर सभी के पास में ये होगा, मार्केट में बहुत चल रहा है। तो ये भी मैं लेकर के आई थी नया उनका, जो कि बहुत अच्छे से आ गए। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे से, मैंने टीका वगैरह भी लगा दिया है, और थोड़ा सा उनको होंठ भी लाल करे थे, मतलब थोड़ा सा मतलब अलग हो गए थे, तो अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। तो ये देखिए उनके मैं कंगन वगैरह हैं सब पहना दूंगी। उसके बाद मैं अपनी राधा रानी जी को भी सजाऊंगी। हमारी राधा रानी जी की भी ड्रेस ऐसी ही है ना जैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, तो बस उनके भी मैंने हाथों में कंगन वगैरह, गले में माला सब पहना दिए, उनको भी तैयार कर दिया है। और राधा जी की ना चोटी बहुत लंबी लंबी है, मतलब अच्छी लगती है, सुंदर है उनका मुकुट, में सब वृंदावन से ही जब लेकर के आई थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ साइड में मंदिर की आज चौकी लगाई है, चौकी रेड कपड़ा बिछा करके, फूल माला वगैरह मैंने सब मंगाया है, मतलब उस अच्छे उससे हिसाब से। लेकिन बैलून वगैरह मैंने नहीं लगाया है,
इस तरीके से मैंने सिंपल में ही सजाए हैं और दोनों को मैंने इस तरीके से माला पहना दी, एक ही माला दोनों को पहना दिए और कुछ गुलाब के फूल वगैरह थे, फ्रूट वगैरह रख दिए भोग में। और उसके बाद में जो भी घर पर मिठाई लगाई थी बनाई है, वही मैं धीरे धीरे जैसे बनाती जाऊंगी वही भोग में रख दूंगी। तो यहाँ मैं ना गणेश जी की मूर्ति पर ये माला लगा रही थी, लेकिन वो दीवार से लगे हुए हैं ना तो गिर जा रहे थे, बार बार नहीं रुक रहे थे। फिर मैंने अपने मंदिर में छोटे गणेश जी रखे हुए हैं, उनको और लक्ष्मी जी सब हैं, तो सबको माला पहना के बस सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं, फिर आरती करते हैं, हम सब ने मिल करके वैसे ही पूजा और आरती कर ली है। के बाद में यहाँ बना रही हूँ मैं पेड़े, पेड़े कह लीजिए लड्डू। तो यहाँ पे जो खोवा मैं घर से लेकर के आई थी वही है, फ्रिज से पहले मैंने निकाल दिया था जब पूजा करने लगी थी, तो उसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें है बूरा यानी करारा, मतलब हम थोड़ा सा ना करारा ये बूरे से मोटा आता है दरदरा, वो है उसके पेड़े मुझे बहुत पसंद है। और इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि बचपन से हमने इस तरीके से सिंपल खाएँ तो यही सिंपल में ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर पेड़े बनाऊंगी, उसके बाद में आगे जो मिठाई बनानी है वो, क्योंकि जन्माष्टमी पर तो खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बन जाती हैं, सभी के घरों में ज़्यादातर बनती हैं। और कितनी भी हम मिठाई बना लीजिए, लेकिन जो ये पेड़े बना रही हूँ मैं, ये ज़्यादातर सबके ही घरों में बनते हैं। तो ये मैंने भी बनाए हैं कुछ। बनके तैयार हो गए हैं, और ये मैंने ड्राई फ्रूट पाक जो बनाया था वो है, ये देखिए बहुत अच्छी है, टेस्टी बनी है। ईशू को और बच्चों को, गीता को, सबको पसंद आई है। और यहाँ हमारे पेड़े बन गए भोग के लिए, कान्हा जी के लिए मैंने सब अलग रख दिया है निकाल करके, और कुछ भोग अब लगा दिया जैसे रात के लिए सब। तो यहाँ पे उसके बाद में देखिए अभी और मिठाई बन रही है घर में, तो खूब ढेर सारी मिठाई होने वाली है। पेड़े और कैसी लगी मिठाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस पूजा वगैरह हमारी हो गई है, सुबह में जैसे पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी को नहलाना श्रृंगार करना सब कर दिया है। और यहाँ किचन में आ गई हूँ, कुछ मैंने मिठाई बना ली है और कुछ रह गई है यहाँ पर, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। और इधर लौकी को, ओ हाँ इधर को, मतलब कैमरे में ना उल्टा सा दिख जा है, इधर को लौकी को मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। और अब इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और धीमी धीमी गैस पर ऐसे ही पकने दूंगी। तो लौकी की मैं बर्फी बना रही हूँ, क्योंकि खोवा तो मैं घर से लाई थी निकाल करके खूब सारा, तो पेड़े वगैरह बना दिए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, और क्या क्या बनाया है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैंने कि चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वैसे तो मेरी वीडियो काफ़ी टाइम पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी, तो मैंने कि चलो किचन में काम करते हैं और आप सबसे बात कर लेते हैं। फिलहाल मैंने यही वाला सूट पहन लिया है, फिर बाद में अपना गेटअप बदलूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी ऐसे ही सिंपल सोवर वाला ही कर लिया है मैंने। बच्चों को भी अभी कोई ऐसा सजाना धजाना कान्हा जी बनाना ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिंकू कल स्कूल गया था ना, तो उसके स्कूल में मैम ने बोला था कि मतलब ड्रेस पहना के भेजना है कान्हा जी वाली, उसको पहना दी थी। लेकिन गन्नू को भी कुछ भी नहीं पहनाया है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, मतलब 12 बज गए। तो बस उसके बाद में मैं अभी बना दूंगी खाना पीने का। आज कुछ ऐसा नहीं है, बच्चों का ही दोनों का हुआ, ईशु गीता मेरा, हम तीनों का ही व्रत है। ये सूट वैसे मैंने आज काफ़ी बार, मतलब काफ़ी टाइम के बाद पहना है। दीदी देखो यहाँ मैं आपको स्टॉल दिखा रही हूँ, ये इसका ऐसा सिलक में जो आते हैं ना वो वाला है। गैस पर चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई और लौकी, इसको भी मैं यहाँ देखती रहूँगी। तो चलिए आप लोगों ने क्या क्या मिठाई बनाई है मेरे साथ शेयर जरूर करना, बताना मुझे जरूर।
जो एक दो है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए, साधना बहन ने भेज दिया है मुझे क्या मिठाई बनानी है, बनाई है उन्होंने, व्हाट्सएप पे भेजी है वीडियो। तो आप लोग जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं वो भेज दीजिएगा, नहीं है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साधना बहन ने भेजा है मुझे आगरा से, उन्होंने बनाया है ड्राई फ्रूट पाक जो बनाते हैं वो वाली मिठाई की वीडियो भेजी उन्होंने, बहुत अच्छी लगी है साधना बहन, मुझे देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। मैंने भी बनाई है लेकिन शायद मेरी उतनी अच्छी ना बनी हो, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से लौकी की मिठाई बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लौकी को मैंने अच्छी तरीके से, मतलब जो लौकी का पानी था ना उसको सुखा लिया है, ऐसी कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला था। अब इसमें डालूँगी चीनी, और जैसे ही इसमें चीनी डलेगी तभी आप देखना अच्छे से पानी छोड़ देगी। चीनी जब डलती है किसी भी चीज़ में हम डालते हैं तो वो एकदम से पतली हो जाती है क्योंकि पानी छोड़ देते हैं। तो ये भी फिर उसके बाद में हम चीनी के साथ में भी पानी, मतलब जो रहेगा उसको अच्छे से पका लेंगे। और मैंने चीनी को ना अंदाज से ही ऐसे डाल दिया है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेजरमेंट लेकर के डाला है, क्योंकि मेरा आधा किलो लौकी था। बोलते हैं जैसे लौकी आधा किलो तो उसमें आधा किलो ही चीनी होनी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, थोड़ी सी कम रखी है मैंने। तो यहाँ पर अच्छे से पहले चीनी के साथ में उसको मैं एक चाशनी होती ना एक तार वाली वो बनाऊँगी, उसके बाद ही इसमें हम खोया ऐड करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, क्योंकि एक दिन में ना व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। इसके आगे की कल वीडियो शेयर करूंगी कैसी मेरी मिठाई जमी है, तो कल का वेट करना। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब